So here we are, all set. Shubham Menchian's openers of Mahavir Indians. Ayush, the strike bowler for Vishwas Jewelers. लीजिए शुरुआत हो रही है यहाँ पे चार रन के साथ। और इसी के साथ आयुष को एक बार फिर से फेस करेंगे शुभम आते ही चौके के साथ इनका स्वागत करते हुए। अच्छा शॉट शुभम एक बाउंड्री और उसके बाद नो स्ट्राइक एंड पर अब सामना करेंगे इनजी। और अब द स्टार प्लेयर ऑफ महावीर इंडियंस रुक जाए तो फिर मैच का रुख बदल कर रख देते हैं फेस करेंगे आयुष को। बेहतरीन कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिला लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। आयुष अगली गेंद लेकर आकृति एंड से वो अगर ये कैच होता या फिर कनेक्ट होता तो फिर एक बहुत बड़ी मछली हाथ में लग जाती आयुष को एक बहुत बड़ी सफलता लिखती लेकिन यहां पर सब कुछ इस वक्त अच्छा होते हुए महावीर इंडियंस के लिए। जेपीएल में मुंबई इंडियंस की तरह इस टीम में भी सितारों की झड़ी लगी हुई है। इंजी फेस करेंगे आयुष जैन। अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छी लेंथ पर आयुष गेंदबाजी करते हुए। और पूरी टीम यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मोटिवेट करते हुए और इसी चीज की जरूरत होती है अगर आप एक टीम होकर खेल रहे हैं। आयुष का ये आखिरी गेंद मात्र एक चौका पहली गेंद पर आया उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक करते हुए। अच्छी लेंथ लेकिन एम्पायर ने शाहरुख खान का पोज दिया मतलब एक एक्स्ट्रा रन व्हाइट बॉल का इशारा। आखिरी गेंद पहले ओवर की आयुष आकृति एंड से सामना करेंगे श्रेयांस। रिवर्स इट What a shot! पहला आशीर्वाद जूनियर सुपर सिक्स ऑफ द मैच श्रेयांस ने कर दी है शुरुआत। पहले ओवर की समाप्ति 12 रन के स्कोर पर कोई नुकसान नहीं महावीर इंडियंस MI। Alright, so with this, पहले ओवर का खेल समाप्त और स्वागत किया एक एक करके दोनों बल्लेबाजों ने। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर दिस इज 12-0 महावीर इंडियंस।
So this is gonna be Anurag versus Shubham Bora. Let's check it out. Who rules? Should Tulsi Vepar Vihar end say? हल्के हाथ से खेला वहां पर, पॉइंट की दिशा में एक रन लेना चाहते थे शुभम, लेकिन अच्छी कॉल वहां पर एनजी के द्वारा। पहली बॉल डॉट बॉल, अनुराग काफी बेहतरीन गेंदबाज है, विश्वास जुलूस के लिए आत्मविश्वास इनका साथ में आसमान पर। पिछले मैच में कमाल का परफॉर्म किया था अनुराग ने। कप्तान का मानना है कि 100-125 रन काफी होगा, जैसा कि ये ठंड देख पा रहे हैं। स्वागत छक्के के साथ अनुराग का वेलकम करते हुए शुभम। स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल शॉट, थोड़ा सा छोटी गेंद और छोटी गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं शुभम। पुल शॉट शानदार स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। राइट और मिस करते हुए एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हुए। इसी के साथ एक और वाइड, लगता है ये दूर रखना चाहते हैं शुभम के बल्ले से, लेकिन उस चक्कर में ये दे रहे हैं एक्स्ट्रा रन और ये अंत में जाकर काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर एक्स्ट्रा रन काफी बढ़ जाए तो। दूर रखने के चक्कर में काफी ज्यादा दूर हो गए हैं यहां पर, अनुराग को वापस अपनी लाइन और लेंथ पकड़नी होगी। दो एक्स्ट्रा बैक टू बैक, अच्छा शॉट सीधे हाथ में, पहली सफलता यहां पर विश्वास जूलर्स के लिए। यश नाडा विकेट टू अनुराग और शुभम को जाना होगा वापस पवेलियन। 11 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया और वापस पवेलियन। So we enter the house. अच्छा कट शॉट बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, एक रन मात्र और अब श्रेयांश स्ट्राइक पर। श्रेयांश स्ट्राइक पर अनुराग का सामना करेंगे। अच्छा खेल दिया है कवर ड्राइव पे, मात्र एक रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज।
आकृति एन से शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर के लिए। नमन करेंगे सामना नए बल्लेबाज वैभव ऑन बॉल आकृति एन से। What a fielding there, Ayush. वैभव बेहतरीन गेंदबाज विश्वास ज्वेलर्स के। सुपर हिट ओवर द डीप स्क्वायर लेग आशीर्वाद ज्वेलर्स सुपर सिक्स वैभव जैन के साथ नमन परफॉर्म करते हुए। अच्छा शॉट लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट मौजूद रिवर्स हिट मारने की कोशिश वहां पर अच्छी फील्डिंग वैभव बेहतरीन गेंदबाज और उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज भी पिछले मैच में डोमिनेट किया था बैट के साथ भी विश्वास ज्वेलर्स के अमेजिंग प्लेयर। वन मोर सो द गेम इज लाइक 0-6 0-6 मैक्सिमम ऑफ जेपीएल और जितनी ऊंचाई से जितनी तेजी से गेंद वहां पर गई हमारे फूड पार्टनर मैगी सेंटर उतनी ही तेजी से वापस भी आई ग्राउंड में। थैंक यू सो मच ऑडियंस। अच्छा शॉट लेकिन वहां पर डीप मिड विकेट मौजूद एक रन। आई नो कि 13 डिग्री का टेम्परेचर है बट जानना चाहते हैं यहां पर महावीर इंडियंस के फैंस कितने आए हुए हैं। कैन वी मेक सम नॉइज ऑन महावीर इंडियंस द सेफेस्ट प्लेस कॉर्पोरेट बॉक्स। चलिए धीरे धीरे जो डिग्री टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है इस 11 डिग्री 11 डिग्री के टेम्परेचर में हो रहा है ये जैन प्रीमियर लीग का सीजन 3 महावीर इंडियंस वर्सेस। सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स ये लीजिए स्वागत कीजिए मैक्सिमम व्हाट अ शॉट नमन ऑन फायर ओवर द एक्स्ट्रा कवर और आज छक्का। श्रेयांश का कहना है कि नमन आप परफॉर्म करो लेट मी परफॉर्म लेटर और इसी के साथ 8 गेंदों पर 21 रन नमन जैन के बल्ले से। पीयूष बोहरा का स्वागत करते हुए नमन जैन। व्हाट अ हिट नमन इज ऑन फायर राइट हैंड बैट्समैन लेकिन थर्ड मैन के ऊपर छक्का। व्हाट अ टैलेंट वी आर विटनेसिंग इनटू जेपीएल सीजन 3 2K21 राइट हैंड बैट्समैन थर्ड मैन के ऊपर से छक्का। इनक्रेडिबल बैटिंग बाय नमन
व्हाट अ बॉल, वापसी यहां पर गेंदबाज की। महावीर इंडियंस 48 विद लॉस ऑफ वन विकेट। इसी के बीच विहान हम स्वागत करना चाहेंगे श्यामू कोठड़िया जी, लालू त्रिपाठी जी एवं राहुल कोठारी जी। एक बार फिर से एक और, इस बार मिड विकेट के ऊपर से 360 प्लेयर्स। कप्तान और डगआउट से लगातार टीम को सपोर्ट करते हुए नमन पूरी तरीके से फायर मोड में हैं, बुलेट प्रूफ की तरह परफॉर्म कर रहे हैं ये। नथिंग टू हिट ऑन 33, मात्र 11 गेंदों में 300 का स्ट्राइक रेट, इनक्रेडिबल नमन। ओ, एक बार फिर से रिवर्स हिट मारने की कोशिश, लेकिन इस बार चूके गेंद की लाइन लेंथ, अच्छी गेंदबाजी वहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं विहान, अगर ये दोनों प्लेयर अपने पूरे फुल स्विंग में लगातार हिट करने लगे तो ये स्कोर कहां जाएगा। स्कोरबोर्ड वैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा है। एक और अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप लेना चाहते थे, सिक्स के लिए जाना चाहते थे, और चार ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 54 फॉर वन विकेट। मारना चाहते, व्हाट अ कॉम्पिटिशन हियर। इसी के साथ अब श्रांश आ गए हैं स्ट्राइक पर, और कुछ ऐसे ही शॉट्स अब हम उनके बल्ले से भी देख सकते हैं, एज वी नो हिम विद द फाइनेस्ट स्ट्राइकर इन द हाउस ऑफ जेपीएल, द रोहित शर्मा ऑफ जेएन प्रीमियर लीग। इनका मानना है कि अगर 4, 5, 6, 7, 8 गेंद रुकने में लगा दिए जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं रोहित शर्मा की तरह और टूट पड़ते हैं बॉलर्स पर। फिलहाल महावीर इंडियंस डोमिनेट करता हुआ ग्राउंड के बीचों बीच, 4 ओवर 54 रन, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आए अनुराग स्ट्राइक बॉलर, चाहेंगे साझेदारी को तोड़ना, लेकिन ये मुश्किल, थोड़ा मुश्किल होगा। इंजी कर रहे सामना, आकृति एंड से शुरुआत करेंगे हम। अनुराग जैन, पहला ओवर मात्र 11 रन 1 विकेट पर, देखते हैं इस ओवर में क्या कुछ ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे ये अपनी टीम के लिए। सिंगल, और सिंगल के साथ ही नमन स्ट्राइक पर, जो कि एक बेहतरीन फॉर्म में है। 13 balls 33 runs, व्हाट ए स्ट्राइकर नमन इज। कट शॉट खेलने की कोशिश, शॉट थर्ड मैन के हाथ में, कोई रन नहीं। इसको क्या कहेंगे, डाउन द लेग साइड, स्ट्राइक के सर के ऊपर से। हम स्वागत करते हैं राजू बंसाली जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन फीमेल लीग सीजन 3 के इस टूर्नामेंट में। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस टुगेदर।
व्हाट अ बॉल, अनुराग का कमाल का कमबैक यहां पर देखने को मिला। लेकिन नमन महावीर इंडियंस के लिए कमाल की पारी खेलते हुए, द इमर्जिंग स्टार ऑफ जेपीएल सीजन 3। अच्छी गेंद, अनुराग बैट और बॉल के बीच का कमाल का कंपटीशन कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिलता हुआ, अनुराग वर्सेस नमन। डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड पर। हवा में है गेंद, क्या कीपर के हाथों में जाने वाला है ये? बिल्कुल नमन जो अच्छा खेल रहे थे, बड़ा हिट लेना चाहते थे, एज के साथ में कैच थमा बैठे। अच्छा खेल रहे थे नमन, अच्छा दिख रहे थे क्रीज पे, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी और आसान सा कैच दे बैठे वहां पर। हर ऐसा लग रहा था नमन को देख के हर बॉल पे सिक्स मारना चाहते हैं, ऊपरी किनारा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स, गैप में खेल दिया है पॉइंट पर सीधा 4 रन के लिए। और ये बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी सक्सेस विश्वास ज्वेलर्स के लिए, और ऑनर यहां पर खुश होते हुए। बढ़िया बढ़िया कामयाब रहे एक सफलता के लिए, और वो भी बहुत बड़ा विकेट। इनजी श्रेयांश बैक टू द पवेलियन।
आयुष जिन्होंने पहला ओवर अच्छा किया और यहां पर दूसरे ओवर में आते ही सफलता दिला दिया है और वो भी बहुत बड़े विकेट के साथ, विकेट बाय यश नहाटा। आयुष इज ऑन रोल, 66 इज द स्कोर ऑन 3 विकेट्स। सुनील और नीरज नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करेंगे। आयुष का पहली गेंद नीरज के लिए, एक अच्छी शुरुआत यहां पर श्रेयांश। अच्छी शुरुआत यहां पर शुभम, श्रेयांश और नमन के द्वारा, लेकिन अब इसको एक बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा। अब इस नाव को किनारे लगाने की जिम्मेदारी है नीरज और सुनील के कंधों पे। कैप्टन वांट्स 100+, देखते हैं कि ये कहां तक इसे लेकर जाते हैं। किनारा लगा वहां पर, फाइनल लेग मौजूद नहीं और 4 रन के लिए। और ये गिफ्ट में मिलता हुआ 4 रन, भाग्य ने दिया बहादुर का साथ। एक बार फिर मारना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। इसी के साथ 6 ओवर का खेल हुआ समाप्त। महावीर इंडियंस 71 विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। What a hit! मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में
सुनील के बल्ले से निकला आशीर्वाद जूनियर सुपर सिक्स ऑफ द मैच। थैंक यू डीजे। और ऐसे ही कुछ हिट्स की उम्मीद सुनील से। अच्छा कट शॉट पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए, कोई मौका नहीं वहां पर किसी फील्डर के पास। रन आते हुए यहां पर एमआई के लिए सुनील के बल्ले से। थैंक यू डीजे डीजे। अगली गेंद 6-4, अब क्या होगा लेट्स सी। वन मोर फ्लडलाइट्स के ऊपर से ओवर द लॉन्ग रन, आशीर्वाद जूनियर सुपर सिक्स ऑफ द मैच। सुनील इज ऑन फायर 17, पांच गेंदे 6-4-6। Here we go, let's witness. One more. This time over the square leg. And this is totally madness. Sunil is on fire. He is on bang. पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं सुमित जैन। नो बॉल पे छक्का, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर अब प्रोजेक्टेड है 141, करंट रन रेट 14.40। और मुझे सुमित की गेंदबाजी देखकर याद आया पिछले मैच में भी इन्होंने 34 दिया था एक ओवर में, आज फिर से क्या ये आज खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वन मोर एंड दिस इज फॉर द फैंस ऑफ रॉयल पवेलियन प्रतीक मावल ओवर द मिड विकेट। आज एनजी नहीं तो सुनील सही, लेकिन यहां पर सब के सब हमारे बॉस। इसी के साथ महावीर इंडियंस के हो गए 100 रन पूरे। जोरदार तालियां हो जाए भाई अपनी टीम के लिए, कम ऑन 100 फॉर महावीर इंडियंस। और सुमित चार गेंदों में दे चुके 29 रन। क्या इस बार विकेट इनके खाते में जाएगा? जी नहीं। और जीवनदान काफी महंगा पड़ सकता है विश्वास ज्वेलर्स के लिए। 101 के स्कोर पर हैं। क्या ये अब तक के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर मिलने वाला है महावीर इंडियंस के द्वारा? क्या नीरज भी हाथ खोलेंगे? ये भी कहेंगे बहती गंगा में जरा मैं भी हाथ धो लूं। अच्छी गेंद, 30 रन का ओवर, काफी महंगा साबित होते हुए। सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स, चलो बहुत
और एक बार फिर सुनील तैयार है बैंग ऑन के लिए। 8 गेंदे 30 रन, 350 का स्ट्राइक रेट। ओहो, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से पहला छक्का इस ओवर का। व्हाट अ बैटर, क्या सुनील आज यहां पर 12 गेंदों पर अपनी सेंचुरी करेंगे। और एक डॉट गेंद। सुनील की बैटिंग की सबसे कमाल की बात यह है कि खड़े खड़े छक्के मारते हैं, किसी फुटवर्क की जरूरत नहीं इनको। महावीर इंडियंस के वीरेंद्र सहवाग, मैं इनको क्रिस गेल कह सकता हूं। मुझे लग रहा है फिर तो अगर मैं ही बोलेंगे तो पोलार्ड बोलना ठीक लगेगा। अगली गेंद वैभव, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वैभव की। वैभव जानते हैं कि अगर रनों पर अंकुश लगाना है तो इस खिलाड़ी को जल्द से जल्द वापस पवेलियन भेजना होगा, जो कि लगभग अभी नामुमकिन सा दिखता हुआ। राउंड द ग्राउंड सक्सेस मारते हुए यहां पर सुनील, 360 डिग्री प्लेयर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर्स। फुल टॉस, क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? जी नहीं, मिस कम्युनिकेशन दोनों प्लेयर आपस में, पीयूष और आयुष के बीच में गिरी है ये गेंद। इतना प्रेशर है जीत यहां पर फील्डर्स के बीच में कि कोई एक फील्डर कॉल नहीं ले पाया कि कौन ये कैच पकड़ने वाला है, और दोनों फील्डर्स के बीच में गेंद गिर गई। प्रेशर सुनील का, और अब हाथ खोलना चाहेंगे नीरज। नीरज भी अच्छा हिटर है महावीर इंडियंस के लिए, और ये एमआई के कुणाल पांड्या। एम्पायर्स ने बाजुएं खोली, मतलब एक्स्ट्रा रन वाइड बॉल का। अच्छी गेंद, लो फुल टॉस, अच्छी गेंद, और उतनी ही समझदारी के साथ डिफेंस करते हुए नीरज। वैभव काफी अच्छा मिशन करते हुए अपनी गेंदबाजी में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रनों पर अंकुश यहां पर लगाने में कामयाब रहे वैभव। पहली बॉल में आशीर्वाद जोले सुपर सिक्स, और उसके बाद अच्छा मौका था, कनेक्ट नहीं कर पाए, और शॉर्ट थर्ड मैन पर कोई रन नहीं। इसी के साथ 8 ओवर का खेल हो चुका है यहां पर पूरा, 109 रन पर है टीम।
कवर ड्राइव, सीधा कवर्स के हाथ में एक रन। और अब स्ट्राइक पर नीरज, और नीरज चाहेंगे कि जल्दी से स्ट्राइक रोटेट की जाए। और सुनील जितनी ज्यादा गेंदों का सामना करेंगे, अब 11 गेंदों का खेल बचा, जितनी ज्यादा गेंदें सुनील खेलेंगे उतना ही फायदा यहां पर महावीर इंडियंस को। अगली गेंद अनुराग आकृति एन से, ये लीजिए, अगर खराब गेंद होगी तो ये ही उसका हश्र होगा, वो भी नो बॉल के साथ फाइल लेग के ऊपर से। थैंक यू डीजे। और एम्पायर्स का इशारा नो बॉल, क्या ये फील्ड पोजीशंस की वजह से है? यस, प्रेशर सिचुएशन, विश्वास जुलूस पर, सर्कल में ज्यादा खिलाड़ी अंदर और इसकी वजह से नो बॉल का इशारा। फ्री हिट, और नीरज का कमाल का छक्का है फाइन लेग के सर के ऊपर से, फाइन लेग सर्कल के अंदर। और अगली गेंद अनुराग आकृति एन से, अच्छी गेंद, एक स्ट्राइक रोटेट कर आ गए हैं, काफी अच्छा हो गया यहां पर महावीर इंडियंस के लिए। एक छक्का नो बॉल और उसके बाद तुरंत स्ट्राइक रोटेशन। अब चार गेंदों का सामना करेंगे सुनील, क्या आज इस जेपीएल का हाईएस्ट स्कोर बनाएगी एमआई? वाइड बॉल एक्स्ट्रास, और इसी के साथ करंट रन रेट चल रहा है 14.20, प्रोजेक्टेड स्कोर 143। क्या ये 150 के आसपास का लक्ष्य देकर हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस जेपीएल सीजन 3 क्रिएट करेंगे? लंबा लंबा ओवर द मिड विकेट, मैक्सिमम बाय सुनील आशीर्वाद जूनियर, सुपर सिक्स ऑफ द मैच। और इसी के साथ सुनील पहुंच गए हैं 44 रनों पर मात्र 14 गेंदों के साथ, यानी कि इस ओवर में अगर और एक बड़ा हिट आता है तो सुनील कर लेंगे अपनी हाफ सेंचुरी, जो कि इस 10 ओवर के गेम में सेंचुरी के बराबर है। व्हाट एन स्ट्राइकर सुनील इज, एक और इस बार लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, और सुनील अपने बैट को अपने फैंस को दिखा सकते हैं टू हैव अ हाफ सेंचुरी, एंड दिस इज द फास्टेस्ट इनटू जेपीएल सीजन 3। 15 बॉल्स, मात्र 15 गेंदों पर 50 रन, और यहां पर मौजूदा हर एक दर्शक महावीर इंडियंस के इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां दे सकता है। 15 गेंदे, एक और, क्या इस बार पकड़े जाएंगे? जी हां, बेहतरीन कैच वहां पर, लेकिन क्या कमाल की पारी खेलकर सुनील वापस डगआउट में। 16 गेंदे 50 रन, मात्र एक चौका और 7 आशीर्वाद जोले, सुपर सिक्स। दैट्स सो ब्यूटीफुल, श्रेयांश उनका स्वागत करते हुए कि भाई आज मैं नहीं तुम सही। यस, मुकेश ऑन स्ट्राइक नाउ, मुकेश में भी क्षमता है यहां पर लंबे हिट्स मारने की। नीरज ऑन स्ट्राइक राइट नाउ, अनुराग अगली गेंद लेकर, क्या ये स्कोर 150 तक पहुंचेगा? 7 गेंदों का खेल बचा हुआ, कट, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, शॉट, थर्ड मैन मौजूद, एक रन और इसके साथ स्ट्राइक रहेगी नीरज के पास।
विश ऑन बॉल से तुलसी व्यापार बिहार एंड की ओर से आखिरी ओवर, नीरज करेंगे सामना, क्या ये एक और बड़ा ओवर होगा। 132 महावीर इंडियंस। वाइड बॉल से शुरुआत, एक्स्ट्रा रन, जजमेंट बाय द अंपायर, इट इज वाइट, एक्स्ट्रा रन। क्या यहां पर 17 रन निकालकर 150 के आंकड़े को पार कर लेगी एमआई की टीम? सब कुछ नीरज पर निर्भर करता हुआ यहां, लेकिन कैप्टन कूल खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। और बेहतरीन कैच, देखिए अगर बेहतरीन हो कुछ तो तालियां बजनी चाहिए, और इतनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए आप सबकी जोरदार तालियां हो जाएं। डीप स्क्वायर लेग, सही जजमेंट और सही टाइम पर जंप, परफेक्ट कैच। व्हाट अ शॉट, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। और अब स्ट्राइक पर हनी, व्हाट अ बॉल, परफेक्ट योर्कर आउटसाइड ऑफ स्टंप। कट पॉइंट्स की दिशा में डीप पॉइंट मौजूद, और एक रन स्ट्राइक पर मुकेश। मुकेश बड़े हिट्स मारने की क्षमता रखते हैं, दो गेंदों का करेंगे सामना, लेकिन अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर्स में पीयूष के लिए। वाइड बॉल, एक्स्ट्रास आते हुए महावीर इंडियंस के लिए, महावीर इंडियंस वॉन्ट माइंड इट। 136/5 आखिरी दो गेंद, क्या कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? ये ले लीजिए कैच ड्रॉप, वहां पर रन नहीं भाग रहे थे बल्लेबाज, मात्र एक रन, क्योंकि शायद उनको लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 137/5, 9.5 ओवर्स, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स एमआई के लिए। सामना करेंगे हनी, पीयूष ऑन बॉल, आखिरी गेंद सीधे डीप पॉइंट के हाथ में, एक विकेट यहां पर पीयूष के लिए। 138 इज द टारगेट, अब तक का हाईएस्ट स्कोर जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 का, और महावीर इंडियंस के कप्तान काफी खुश होंगे, प्लान कर रहे थे 100 और 110, और यहां पर बोनस में मिल गया है उनको 40 लगभग रन। अब देखते हैं कि इसको ये कहां तक वाइंड अप करके रन रेट का फायदा उठाते हैं।
कॉल करने दो मुझे, मैं ले रहा था मेरे लिए और तू दे दे रहा है। अबे यार क्या ही कर रहा है बच्चों की तरह। अरे वापस देना, खेलने दो। वैभव जैन नीरज जैन इज ऑन बॉल
सिद्धार्थ इज ऑन बैट. So what a start by Neeraj for MI and Siddharth and Vaibhav on crease for Vishwas Jewelers. Neeraj on ball, back to back dots, char gende dot, Vaibhav on strike, here we go. So welcome back to the match for day 4 of JPL season 3 2K21 brought to you by Mahavir Group. Mahavir Indians versus Vishwas Jewelers. And finally Vaibhav ke bat se nikla Ashwa Jewelers super 6 of the match. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर नीरज के द्वारा. पहले ओवर की समाप्ति पर विश्वास जुलेस 6 रन बिना किसी नुकसान के. विश्वास जूनियर्स के फैंस थोड़ा ना मचा दो कमाल. डीजे वाले बाबू थैंक यू. इसी के साथ निवेदन है पिंकी टाटिया जी, अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो प्लीज आप मंच के पास आ जाइए. वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स फॉर द बेस्ट ऑडियंस ऑफ द इवनिंग. और साथ में हम निवेदन करेंगे मनोज गोलछा जी, आप जहां कहीं भी हैं मंच के पास आ जाएं. सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स की तरफ आप हाथों से हम ये हैंडओवर करना चाहेंगे पिंकी टाटिया जी को. सिद्धार्थ स्ट्राइक पर. नमन ऑन बॉल. अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत नमन के द्वारा. नमन जिन्होंने बल्ले के साथ स्ट्राइक किया आज, ऑलमोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दिया था आज तो नमन ने. और अब गेंद के साथ और स्क्वायर लेग. व्हाट इज इट? Wait for the umpires. And it's a 4. Yes, it's a 4.
back to the third umpires. What is it? 6 or 4? ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर. पिंकी टाटिया जी जहां कहीं भी हैं स्टेज के पास आ जाएं. और रॉयल पवेलियन से आवाज आ रही है, खेल जारी रखो, उसको बाद में देख लेंगे, आगे के दिखाओ आप. तो साथ दिस इज 6 डायरेक्ट ऑन द बाउंड्री. रॉयल पवेलियन से जो ताली आ जाए. अगली गेंद इस बार डीप मिड विकेट मौजूद वहां पर और खुद से लड़खड़ाकर. पिंकी टाटिया जी आज की हमारी दर्शक ऑफ द इवनिंग, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग. और कल भी आइएगा, परसों भी आइएगा, उसके अगले दिन भी आइएगा. थैंक यू. सामने की तरफ और व्हाट अ ट्राई. व्हाट अ लेवल, व्हाट अ लेवल ऑफ अ फील्डिंग, व्हाट एन अमेजिंग फील्डर ही इज. Sorum Shivam is on fire. He is giving his 100% for his team. Behtreen. What a lovely try by Shivam. Full toss, square leg ke sir ke upar se maximum. क्या ये ओवर महंगा साबित होगा? विश्वास ज्वेलर्स एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए, क्या ये हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा आज? 130 प्लस महावीर इंडियंस और अब विश्वास ज्वेलर्स डोमिनेट करते हुए. नई गेंद आ चुकी है मैदान पर क्योंकि पुरानी गेंद आउट ऑफ द पार्क. नमन को थोड़ा सा उन्हीं का स्वाद चखाते हुए यहां पर सिद्धार्थ. वन मोर दिस टाइम ओवर द मिड विकेट इनटू द कॉर्पोरेट बॉक्स. विश्वास ज्वेलर्स को पता है कि अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो इस तरीके के बड़े हिट लेने ही होंगे. खोने के लिए कुछ नहीं, अब जो भी है पाने के लिए, और उसके लिए इनको ये लगातार हर ओवर में 2 से 3 बड़े हिट लगाने ही होंगे. अजीत मात्र चौथा दिन है इस टूर्नामेंट का और 511 विश्वास ज्वेलर्स सुपर सिक्स ऑफ द मैच. 5-11 What a shot over the point, 4 runs. That's so good. और विश्वास ज्वेलर्स के ऑनर काफी खुश नजर आ रहे हैं, लगातार अपने प्लेयर का हौसला अफजाई करते हुए. 291st four of the tournament. 291 चौके, 511 छक्के अब तक इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं. JPL एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम. बॉलिंग पावर प्ले ले लिया गया है यहां पर, अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. 2 ओवर की समाप्ति पर विश्वास ज्वेलर्स 33. व्हाट अ सॉलिड स्टार्ट टू चेस बिग टोटल. A
एंड ये भी गो। व्हाट अ फील्डिंग देयर। क्या ये सेव कर लिया गया है? क्या ये फील्डिंग का नजारा है? सब कुछ देखने को मिलता है यहां पर ग्राउंड पर। व्हाट एफर्ट्स बाय प्लेयर्स, व्हाट एन एफर्ट्स। पहले शुभम और अब स्क्वायर लेग। हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की तरफ एक रन के लिए। सिद्धार्थ और वैभव कमाल का स्टार्ट देते हुए अपनी टीम को। एक बड़े टोटल का पीछा करते हुए विश्वास ज्वेलर्स उसी आत्मविश्वास के साथ। क्या मौका बना लिया है इन्होंने यहां पर, बिल्कुल। और इसी के साथ एक बड़ी सफलता मिलते हुए मुंबई इंडियंस नहीं महावीर इंडियंस के लिए। MI इज ऑन रोल। सिद्धार्थ बड़ा हिट करना चाहते थे और कैच थमा बैठे। माफ कीजिएगा, दिस इज और शुभम का एक और बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन पर। वैभव जैन 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट। अच्छा शॉट डाउन द लेग साइड, एक रन आसानी से प्राप्त किया वहां पर सिद्धार्थ एंड वैभव। सिद्धार्थ कमाल की पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। विश्वास ज्वेलर्स का आत्मविश्वास। शरण नाय है अगले गेम अगले बल्लेबाज। नीरज जैन की तरफ से एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहां पर MI की टीम से। क्विक सिंगल वहां पर चाहते थे लेकिन सिद्धार्थ की अच्छी कॉल नॉन स्ट्राइकर हैंड से। सिद्धार्थ जानते हैं अगर क्रीज पे थोड़ा सा समय और बिता तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। इसी के साथ
धागा खोल दिया था गेंद का। और अब बारी है शरण की। सुनील का स्वागत सुनील के अंदाज में, फाइन लेग के सर के ऊपर से पहली गेंद से स्वागत करते हुए शरण। शॉर्ट गेंद देखकर रूम बनाकर दिया है छक्के की तरफ, आशीर्वाद जूलर्स के खाते में। पहले ही भांप लिया था शरण ने डाउन द लेग साइड जा रही गेंद और उठाकर सीधा पवेलियन के सर के ऊपर से छह रन के लिए। एक बार फिर से नई गेंद, थैंक यू डीजे ऋषि। सुनील का स्वागत किया यहां पर शरण ने छक्के के साथ, उनका स्वागत उन्हीं के अंदाज में। अगली गेंद एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ एक रन। अच्छा कमबैक सुनील का वहां पर, योकल लेंथ सिद्धार्थ ने सूझबूझ से खेला, उस गेंद को हल्के हाथों से रोकना उचित समझा। अगली गेंद सुनील की, डीजे होल्ड ऑन, ब्राउन मुंडे इज ऑन फायर इनटू द ग्राउंड। ये कहते हैं सुनील का जलवा, बैट से बल्ले से तो आपने देख ही लिया, और अब आप देखेंगे यहां पर एक यश नहाटा विकेट। अनुराग आए क्रीज पर, डाउन द ग्राउंड ऑन साइड की तरफ खेला एक रन के लिए, फील्डर वहां पर मौजूद। और अब यहां से अगर मैच को निकालना है विश्वास जूलर्स के लिए, सो अनुराग और शरण दोनों को एक अच्छी साझेदारी के साथ बड़े हिट लगातार लगाने होंगे, रुकने का मौका नहीं है। सुनील का एक और ब्रेक थ्रू दिलाकर के पूरी तरीके से फ्रंट सीट पर लेकर आएंगे महावीर इंडियंस को। अच्छा शॉट डीप मिड विकेट के हाथ में सीधा एक रन के लिए। अभी एक एक रन से कम बनेगा नहीं विश्वास जूनियर्स का, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स को दोनों ही छोर से बड़े हिट्स लगाने होंगे। 80 रिक्वायर्ड ऑन 30 बॉल, 80 रन चाहिए 30 गेंदों पर। एक एक करके हर एक डॉट बॉल रिक्वायर्ड रन रेट को करते हुए आज अपनी टीम के लिए एक कमाल का छक्का उन्होंने बचाया, 5 रन बचाए थे। उसके बाद एक शानदार कैच, बेहतरीन फील्ड,
What a ball and what a bad swing by Anurag. लेकिन कुछ संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का. लंबा हिट मारना जरूर चाहते हैं और यह सही भी है. अभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अच्छा शॉट ऑफ द कवर्स. अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ के फील्डर द्वारा. काफी लंबा चेस यहां पर और अब एक्स्ट्रा रन्स. क्या हो रहा है ग्राउंड पर? सब कुछ घटित होते हुए दिखता हुआ. यह है जेपीएल सीजन 3 एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम. छत्तीसगढ़ में अगर आप हैं और आप एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं तो आपकी तलाश पूरी होगी बैटल ग्राउंड पर. राजनांदगांव बैटल ग्राउंड जेपीएल सीजन 3 2K21. और थोड़ी राहत मिली यहां पर महावीर ज्वेलर्स को. महावीर इंडियंस एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद. एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर शरण को. शरण और अनुराग लगातार कोशिश करते हुए अपनी टीम के लिए. कैप्टन कूल प्रशांत. अच्छा ओवर घटित होता है महावीर इंडियंस के लिए. अब तक एक और बेहतरीन गेंद अपील लेकिन एम्पायर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें. आदित्य अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए. अनुराग 3 रन पर खेल रहे हैं 4 गेंदों के साथ. इस बार ओवर द थर्ड मैन लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. एक बार फिर से 2 रन. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अनुराग और शरण के बीच. और धीरे धीरे यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ. रिक्वायर्ड रन रेट अब पहुंच गया है 19 ओवर 19. यानी कि अब हर ओवर में 2 छक्के और 1 चौके तो लगाने ही होंगे अगर वो इस मैच में बने रहना चाहते हैं. रन अब चार्ज करेंगे सुनील जैन पर. अगर इस ओवर में 4 से 5 बड़े हिट आ जाते हैं तो थोड़ा रिलीफ में आ जाएगी विश्वास चुलेस की टीम. कितने लगेंगे बताओ? कितने बड़े? 3. सीधा डीप मिड विकेट के हाथ में 1 रन के लिए. सीधा हाथ में और ये लगभग अब महज औपचारिकता रह गई है इस गेम में. अभी भी मैच में जान बाकी है क्योंकि अब करण आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. शरण जब तक क्रीज पर है कुछ भी पॉसिबल है. तीसरा विकेट गंवाती हुई विश्वास ज्वेलर्स 71 के स्कोर पर 6.3 ओवर्स एंड नाउ 21 balls and 67 runs required to win. और ये हार और जीत काफी ज्यादा फर्क डाल देगी पॉइंट्स टेबल पर. आज के मैचेस से पॉइंट्स टेबल पर काफी हरकत शुरू हो जाएगी.
लास्ट बॉल ऑफ द ओवर रिक्वायर्ड रन रेट 20.68। हर एक गेंद के साथ रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से आगे बढ़ता हुआ। सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स और इसी के साथ हमारे साथ है एक क्यूटी पाई स्वीट हार्ट जो कि आज के इस शाम में हमारे साथ कंटिन्यू बनी हुई है। क्षमा जैन नाम है इनका और इनको सोनराज तिलोकचंद ज्वेलर्स की तरफ से दिया जाता है ये एक प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। और क्षमा जैन के फादर इस वक्त बॉलिंग पर हैं और ये मैच जीतकर अपनी बेटी के लिए ये गिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर एक रन से संतुष्ट। अंकित एंड शरण ऑन क्रीज फॉर विश्वास ज्वेलर्स। स्क्वायर लेग की दिशा में चार रन के लिए लगभग नामुमकिन सा चीज ये होता हुआ 13 बॉल्स में 58 रन रिक्वायर्ड। और एक्स्ट्रास के चार रन, किसी की कोई गलती नहीं यहां पर, विकेट कीपर के पास कोई चांस नहीं उस बॉल को रोकने का।
इसी के साथ अब लगभग नामुमकिन सा विश्वास ज्वेलर्स के लिए, अगर ये यहां से मैच जीतना चाहते हैं तो इस ओवर में कम से कम 4 से 5 बड़े हिट लेने होंगे। ऋषि, 9 गेंदों पर छक्के की जरूरत। ओवर द कवर्स, पहला हिट। 8 और हिट्स चाहिए 11 गेंदों पे, और ये JPL है, यहां सब कुछ मुमकिन है। एक और बैक टू बैक, एंड वन बाउंस फोर, वन बाउंस फोर। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन प्रयास, बहुत अच्छी कोशिश। एक एक रन को अभी भी बचाने में लगे हुए हैं शुभम, बहुत बहुत अच्छा करते हुए अपनी टीम के लिए शुभम, अपना सब कुछ देते हुए फील्ड पर। अच्छी गेंद, और ये एक डॉट बॉल काफी भारी पड़ेगी विश्वास ज्वेलर्स के लिए। एंड दिस इज बोल मैन, व्हाट एन अमेजिंग बॉलर, हु इज मेड इट डन। विकेट के साथ यश नाहटा विकेट इज ऑन रोल। एक अच्छी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौटते हुए, अगर आखिर तक टिकते तो हो सकते थे चांसेस यहां पर विश्वास ज्वेलर्स के, लेकिन अपना विकेट गंवाया शरण ने क्रूशियल मोमेंट पे। एंड विकेट टेकर नमन, और इसी के साथ अगले बल्लेबाज हैं आयुष जैन, और अब महज औपचारिकता रह गई है इस मैच में। लगभग महावीर इंडियंस के खाते में यह मैच।
फुल टॉस सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में, नमन कोहली एक और विकेट, यश नहाटा विकेट। कैचर्स नेम, फील्डर्स नेम जिन्होंने कैच लिया, थैंक यू डीजे ऋषि, थैंक यू। फील्डर्स नेम जिन्होंने कैच लिया, नीरज, ये आसान सा कैच ड्रॉप, जज नहीं कर पाया वहां पर। डीप स्क्वायर लेग, नाराज अपने आप से, जानते हैं एक आसान सा कैच था, हैट्रिक का मौका था, लेकिन छिटक गई गेंद हाथ से। बेहतरीन फील्डर, लेकिन कई बार होता है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स भी कैचेस ड्रॉप करते हैं। और अब बॉल नजर आ रही है यहां पर शुभम के हाथ में, पहला ओवर डालेंगे शुभम। राइट आर्म स्पिन, पहली गेंद डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। अगर सारी की सारी गेंद भी फेयर डिलीवरी जाती है तो भी ये मैच महावीर इंडियंस के खाते में होगी। क्लीन बॉल, एक और विकेट और शुभम के खाते में जाता हुआ यश नाटा विकेट। आखिरी 3 गेंदों बची, चौथे दिन के आखिरी मैच की, महावीर इंडियंस इन कंट्रोल।
एंड ये भी आ विद द फाइनल मैच ऑफ डे फोर जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 2K21 ब्रॉट यू बाय महावीर ग्रुप एंड वी रिक्वेस्ट बोथ टीम्स request the team of Mahavir Indians to be there for the post-match presentation.